नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। जी, आप लोग थाने पे आज हैं? ओ, क्या बात है, क्यों बिठाए गए हैं? किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से किसान बिल का विरोध कर रही है, उसको लेकर के जो भाजपा सरकार है, दमनकारी सरकार, विरोध करने से रोक रही है। भाजपा सरकार का यह मंशा है कि वह देश से किसानों को खत्म करना चाह रही है, जिसका हम सभी कांग्रेसी मिलकर के विरोध कर रहे हैं। और भाजपा जो दमनकारी सरकार है, हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हम विरोध इस बिल का करते रहेंगे। आज आप थाने पे हैं जी? आज आपको पुलिस कड्डी में रखा गया है? पुलिस हमारे घर से सबसे पहले हमको वहाँ नजर बंद की है, उसके बाद वहाँ से पुलिस ले आई है, थाने पर बैठाई है। कब? लेकिन सुबह ही। लेकिन कांग्रेस, हम पुलिस के इन धमकियों से, योगी सरकार के इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। हम इस बिल का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जी, आपका नाम? जितेंद्र कुमार पांडे, पीसीसी सदस्य, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला उपाध्यक्ष, संगठन प्रभारी, जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आप इस कार्यक्रम में क्या करना चाहते हैं बताएं? हम लोग यहाँ किसानों के समर्थन में, हमारे किसान जो किसान हमारे देश के हैं, देश को बचाने वाले या देश के लोगों के हर एक बंदे का निवाला हमारे किसान के घर से जाता है, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो या फिर देश का कोई भी सदस्य हो, किसानों के घर से ही उनके घर निवाला जाता है। और आज हमारे किसानों के तो जो ये सरकार जो है, योगी सरकार, मोदी सरकार, जो भी कर रहे हैं, गलत किसानों पर पानी के फव्वारे चलाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, वो लोग इतने ठंड में वहाँ बैठे हुए हैं। तो आज हमारा कांग्रेस परिवार जो भी है, वो उनके समर्थन में है और उनके आगे तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पूरा देश तैयार है। नाम? और स्नेहलता, ICC मेंबर कांग्रेस। कौन किसानों का यहाँ नहीं हो रहा है? आज आप लोग, आज अभी आप लोग चोरी चोरा थाने में पुलिस कड्डे हुए हैं, क्या बात है? पूरे हिंदुस्तान में हिटलर शाही चल रही है, भारत सरकार की तानाशाही चल रही है। किसानों और गरीबों और गाँव के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है, पूरे मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप है। और जो लोग किसानों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा सार्थक कर रहे हैं, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा था कि किसान और जवान इस देश की रीढ़ है, और आज किसान और जवान दोनों मारे जा रहे हैं। हमारे पुलिस के जवानों को 60 वर्ष के बजाय 50 वर्ष में रिटायर करने की प्लानिंग चल रही है। 70 साल का बूढ़ा आदमी पुलिस के जवान को 60 के बजाय 50 में रिटायर करेंगे। और पूरे मुल्क के अंदर जो संविधान विरोधी काम कर रही है ये सरकार, संविधान के विरोध में हर कदम उठा रही है सरकार, और जो सरकार कह रही है ठीक उसका उल्टा काम कर रही है, तो इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलित है। और आंदोलित किसानों के पक्ष में समाजवादी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन कर रही है। जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया जाता, तब तक समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर रहेगा, और हम बिल वापस होने तक लड़ते रहेंगे, जान जाए या रहे। आपका नाम? राम नक्षत्र यादव। अखिलेश यादव जी का आह्वान है कि लड़ते रहो, तब तक लड़ो जब तक ये सरकार किसानों के किसान विरोधी बिल को वापस नहीं ले लेती। मैं थाने पे हूँ, यहीं चौरी चौरा में, आ जाऊँगा उसको बना लीजिए, इतने कितने नहीं आप खानों का, और उसमें ऐसे भी तो जाएंगे, कर दिया। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।